कल के मैच में एक बार फिर से राहुल और रोहित ने खेली धमाकेदार पारी और दोस्तों स्कॉटलैंड बुरी तरह से हारी। दोस्तों कल के मैच में बर्थडे बॉय यानी कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पहले टॉस जीता और टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों कल के मैच में भारतीय बॉलर्स ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और स्कॉटलैंड को 85 रन पर ऑल आउट कर दिया। दोस्तों भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 3 ओवर में 15 रन देकर के 3 विकेट निकाले थे। इसके बाद दोस्तों जडेजा जिन्होंने विकेट की शुरुआत कराई उन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर के 3 विकेट निकाले थे। इसके बाद दोस्तों बुमराह 3.4 ओवर में 10 रन देकर के 2 विकेट निकालने में कामयाब रहे। हालांकि दोस्तों अश्विन 4 ओवर में 29 रन देकर के थोड़े महंगे जरूर साबित हुए पर उन्हें भी 1 विकेट मिला था। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को अपने नेट रन रेट में इजाफा करने के लिए इस मैच को 7.1 ओवर में जीतना था और भारतीय बल्लेबाज इसी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे थे। दोस्तों भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 5 ओवर में 70 रन की जबरदस्त साझेदारी की, जिसमें केएल राहुल ने 19 गेंदों पर 50 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसके अलावा हिटमैन रोहित शर्मा ने भी 16 गेंदों पर 30 रन बनाए थे जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसके बाद दोस्तों रोहित और केएल राहुल आउट जरूर हुए पर लेकिन तब तक पूरा मैच खत्म हो चुका था और दोस्तों आखिर में आकर के सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने इस मैच को खत्म किया और दोस्तों भारतीय टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर पहुंच गई है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि कल के मैच में स्कॉटलैंड से इतनी बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम नेट रन रेट के मामले में नंबर 1 पर ग्रुप 2 में पहुंच गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दें कि केएल राहुल कल के मैच में हाफ सेंचुरी लगाने वाले दूसरे ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने सबसे तेज 50 रन बनाए हैं। इससे पहले दोस्तों युवराज सिंह ने 12 बॉल पर 50 रन बनाए थे। इसके अलावा दोस्तों अब केएल राहुल ने 18 बॉल पर 50 रन बनाए हैं, जबकि इसके अलावा गौतम गंभीर ने भी 19 बॉल पर 50 रन बनाए हैं। और दोस्तों कल के मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया है, क्योंकि दोस्तों रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 15 रन देकर के 3 विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर निकाले थे। इसके अलावा दोस्तों रविंद्र जडेजा अब तक कई बार ऐसे विकेट्स निकाल चुके हैं, उन्होंने 2 बार 3 विकेट लिए हैं, जबकि रविंद्र जडेजा 3 बार 4 विकेट और 1 बार 5 विकेट भी निकाल चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम 14 साल से T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है और साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारत की राह बेहद ही मुश्किल हो गई है। भारत अब तभी सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा जब 7 नवंबर को होने वाले न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाता है। इसके अलावा दोस्तों फिर 8 नवंबर को होने वाले मैच में इंडिया को नामीबिया को हराना होगा। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या 7 नवंबर को होने वाले मैच में अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा पाएगा? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्रिकेट की दुनिया जुड़ी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ट्रेंडी चिटचैट को।